हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी विद शेख सर। आपका स्वागत है एक नई दिन एक नई सुबह के साथ। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे, जीरो लेवल से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा। चैनल को आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नए वीडियो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, यम की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। दिया 5 की पावर यम भागा 5 की पावर माइनस 3 और बराबर 5 पे पावर 5 दिया है। अब देखिए इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले कोई चीज़ भाग में हो, अगर बेस समान हो, देखो यहाँ भी 5 यहाँ 5 है तो क्या हो जाता है। मैंने कहा था ए की पावर यम भागा अगर ए की पावर यन हो, ठीक है, इस तरीके से हो। देखो दोनों का बेस समान है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए की पावर यम माइनस यन होता है। तो लिख लीजिए 5 की पावर यम, ठीक है। अब भागे के जाओ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 है तो माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है, माइनस 3 कर देंगे। माइनस 3 करने के बाद 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर 5 लिख लेंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या होगा, 5 की पावर यम प्लस 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 की पावर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ तक होने के बाद अगर हम देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, बेस समान हो गया। बेस यहां पे समान होने पर लिख दो, बेस समान होने पर अब क्या होगा, ठीक है, अब ले लीजिए, ठीक है, बेस समान होने पर तो अब देखिए क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यम प्लस 3, ठीक है, बाई 4, ठीक है, ये लिख सकते हैं यम प्लस 3 बराबर 5, 5 अब बेस हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, यम बराबर क्या लिख सकते हैं, 5। अब ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस जा, अगर कोई चीज़ इधर में है प्लस में है तो उधर जाने पे चिन्ह क्या होती है, चेंज हो जाती है। मान लीजिए इधर प्लस में है तो उधर जाने पे माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाने पे क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये माइनस में होता तो उधर जाने पे प्लस हो जाता, तो ये कितना होगा, यम बराबर 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा, यम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल की वीडियो मिलेगी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।